હવે આગળ વાત કરીએ તો ભરૂચની ભરૂચ સિવિલના પીએસસી સીએચસી સ્ટાફને 3 મહિનાનો પગાર ન ચૂકવાતા કર્મચારીઓ માસ સીએલ પર ઉતર્યા। भरूच में आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने छेल्ला 3 महीना थी वेतन न चुकवता आज भरूच जिला आरोग्य विभाग कचेरी बहार सफेद वस्त्र धारण कर विरोध प्रदर्शित कर मास सीएल पर तमाम कर्मचारी उतरी गया था। गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2010 साल थी वर्ग 4 की कायमी भर्ती बंद कर आउटसोर्सिंग नीति अमल में मुकवामां आवी छे। समय अंतरे वर्ग 3 की रेग्युलर एकमनी खाली जगह में आउटसोर्सिंग कर्मचारी भर्ती करवामां आवे छे। आउटसोर्सिंग भरूचनी सीविल हॉस्पिटल में डीजी नकराणी कॉन्ट्राक्टर हेठ सीएचसी पीएचसी कर्मचारी फरज बजावे छे। हाल छेल्ला 3 महीना थी आ कर्मचारी वेतन न मळता आज भरूचनी आरोग्य कचेरी बहार धरना कर मास सीएल पर कर्मचारी उतरी गया था। आ कर्मचारी गणना सुभाष रविचंद सोलंकीए પોતાની આપવીતી મીડિયા સમક્ષ જણાવતા કહ્યું હતું કે હાલ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ કર્મચારીઓ કામ કરે છે। એક તરફ સરકાર કોરોના વોરિયર્સનું સન્માનની વાતો કરે છે તો બીજી તરફ કર્મચારીઓને મરવાપાત્ર વેતન ન ફરતા નજીવા વેતનમાં કામગીરી કરાવે છે। આથી આ કર્મચારીઓની માંગણી છે કે જો આગામી સમયમાં સરકાર દ્વારા અમારા પગારનું બાકી ચૂકવણું કરવામાં નહીં આવે તેમજ વ્યવસ્થિત કામગીરી નહીં કરાય तो राज्य में आगमन थती कोरोना वेक्सिन कामगिरी बहिष्कार कर उग्र आंदोलन ने चीमकी आपी छे। याकूब पटेल जेडएसटीवी भरूच। तालुका में ये इलाव पीएससी में एफएडब्ल्यू तरीके काम करूँ छूँ पर अमरा बढ़ा आउटसोर्सिंग में भेगा थे भाई बहनों 3 महीना पगार हजी एमने करो नहीं तो हमें अमरे शूँ करूँ नौकरी करवी के नहीं करवी कोई जवाब आपत नहीं। अँ हमें आज जिला पंचायत पर भेगा थे बट एनु कोई महत्व नहीं कि लोग काम करे टाप में काम करे आवा कोरोना वाला कोरोना में भेगा थी बधाए पोता काम तो करूँ है जे रेग्युलर में हो कि नहीं रेग्युलर काम तो बधाए सरखूज कर तो पगार केम नहीं चूके अमरा सरकार ने कहूँ है कि अने लोग ने 19,000 पगार है अमर तो केम अमरा खाता में 9,000 से 10,000 पगार आए तो शूँ अमर लोग कोई गुनो करो है पीएफ कापे पीएफ भी कम्प्लीट होत नहीं कोई 2 महीना में कोई महीना में हो कोई महीना में नहीं होत और एकाउंट खोलना कोई 2,000 ले आ तो अमरी पास 2,000 रुपया लीधा है हमने तो अमरा करव शू आग जो हो करो छूटा करो का तो अमर पगड़ वारो जो करूँ हो कही दो तो अमने खबर पड़े आगे अमार शूँ करूँ शूँ न करूँ।